Shraddha? Actually, I was very busy around the clock working for television. Then these people came to me, फिर मैंने बोला नहीं कुछ करना चाहिए अलग. तो फिर मैं आया, took up the show and बड़ा मजा आया करते हुए. I loved the script. Script was very tight. मतलब जो नीरज सिंह ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, जो डायरेक्टर भी है स्वयं, द स्क्रिप्ट वॉज वेरी गुड. मतलब वहाँ पे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को. इट वॉज प्रॉपर, द सीन्स वर शॉर्ट, कट टू कट लैंग्वेज, एवरीथिंग वॉज प्रॉपर. तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी. इट वॉज वेरी नाइस. हेलो, रेफरेंसेस थोड़े बहुत जो भी रहे हैं उनके, तो थोड़ा बहुत देखा मैंने, जो भी किया मैंने अपने हिसाब से किया. बस आओ ना प्लीज 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 थोड़ा प्लीज, तुम्हें हम मेरी कसम प्लीज आइए प्लीज. जी नहीं, विवाद अगर होते भी हैं तो ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर्ड ही है प्लीज, मेरी खातिर. मतलब फिर वो जो करना है अच्छा काम, तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको गवाना ही पड़ता है, आपको कुछ मिलता है. इट इज ऑलवेज सॉरी, आई एम सॉरी बोथ द साइड्स. जी सर, पहली चीज़ तो ये जो फिल्म हमारी एक वेब फिल्म है, ये जो फिल्म है हमारी ये आपका वेब फिल्म है, नॉट अ फीचर फिल्म. और हमारी कोशिश है कि हम जो विकास दुबे एक्चुअल में जो था वही दिखाया जाए. और अगर आप बात कर रहे हैं ये जो शब्दों की, तो आजकल जो आप OTT जो लेके चल रहे हैं, तो प्रमोज आ रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, तो उसके मुकाबले हमने तो कुछ डाला भी नहीं है. कुछ भी नहीं डाला है ना, ऐसा कुछ है भी नहीं है. लोग तो गंदी गंदी गालियाँ यूज़ कर रहे हैं आजकल, अभद्र भाषा यूज़ कर रहे हैं. आप प्रमो देख चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रमो में. तो मुझे नहीं लगता कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली है. जी वो मेरे को पता है सर, मेरे को मालूम है, लेकिन इतना नहीं है. वो गाइडलाइंस आई है, लेकिन उसमें भी आपका ग्रेड रखे गए हैं ना, फिल्म किस ग्रेड में जाएगी. सर अगर मैं फिल्म, अब बोले अगर मुझे फिल्म बनानी है और उसको दिखाना है फिल्म की तरह, तो एक्चुअल में विकास दुबे जो था तो ज़रूरी है. बाकी देखते हैं आगे, अगर कोई दिक्कत आती है हमें तो वो बात की बात है. जी किसी खराब आदमी को दिखाने में क्या बुराई है? मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, ये वो नीच आदमी है. इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो नीच नहीं, नहीं वैसा नीच हो. तो शायद अगर ऐसा है भी, तो जैसे इन्होंने कहा हाँ, कि हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया इसमें जिसकी वजह से किसी को भी कुछ भी आपत्ति हो. तो ये बड़ा क्लियर कट रहे थे मेरे साथ, तो जब मैं भी इनको मिला, इसमें एक गाली नहीं है ना, जो भी है अच्छे वे में पुट इन की है, जो आपने शायद कितनी फिल्मों में देखा होगा. तो बस यही है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर समझो है भी तो है, अभी क्या करें, बिकॉज वो स्टोरी है, दैट इज़ द एंटायर स्टोरी. तो अगर उससे हम खेल लेंगे तो पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी. उद्देश्य यही है कि गैंगस्टर कितना भी बड़ा हो, बुराई कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन अगर हम आगे चल के उसका अंत ही होता है. विकास दुबे का, अगर मैं खुद UP से हूँ, मेरा होम टाउन आगरा में है, और आगरा और कानपुर का जो डिस्टेंस है मुश्किल से 200 किलोमीटर है ना. तो वही सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत करीब से जानता हूँ इन सारी चीज़ों को, वहाँ मैं पला बड़ा हूँ. तो वहाँ की जो पृष्ठभूमि है, तरीके से ये कि सामने चीज़ें निकल के आएँ, अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंत हमेशा बुरा होता है. मेरा तो बहुत बढ़िया रहा, इन लोगों ने बड़ा ध्यान दिया मेरा. मतलब शूटिंग भी करते थे तो मतलब कमाल, अच्छे लोकेशंस, वर्जिन लोकेशंस, वेरी नाइस लोकेशंस. मतलब फिर वहाँ के गांव वालों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया. रियल लोकेशंस. पुलिस की तरफ से कितना सहयोग रहा आपका? बहुत सारी चीज़ पुलिस पर भी उंगली उठी थी, बहुत सारी चीज़ें मंत्री होते हैं वो अभी है. अभी मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया जो भी था, बिकॉज हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा था, और काफ़ी हमारी मदद की गई, काफ़ी जगह हम गए तो वहाँ सपोर्ट मिली पुलिस की. सबसे बड़ी बात यह है सर, वहाँ लोगों की भीड़ भाड़ का देखते हुए, चूँकि कुछ जातिवादी का मामला था, गांव देहात का मामला था, दूसरी पुलिस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हम लोगों को. दूसरा क्या है आपका सबसे बड़ा जो सराहनीय कार्य रहा है, वो रहा है UP CM का,
जी है ना, आपका 10 से 12 दिन के अंदर उन्होंने बिल्कुल खात्मा कर दिया था। इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा उसका वर्चस्व था आपका, आप मान लीजिए दुबई बैंकॉक कहाँ उसकी उसकी जब प्रॉपर्टी नहीं थी है ना, तो वो बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। लगातार आपके एनकाउंटर्स हुए हैं, पूरी एक इसका पूरी जो नींव थी, पूरी नींव को हमारे यूपी के जो सीएम है उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। मैंने क्या, मैं वही तो कहा, बस इनकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे लगा मैं यही हूँ, क्योंकि इनके साथ भी यही रहा कि विकास दुबे तो यही है। ये होता है कि एक अच्छे एक्टर के लिए हमेशा यही होता है, ये पहचान होती है अच्छे एक्टर। जल्दी ही आपको फिल्म देखने को मिलेगी, मैं अभी कुछ डेट आपको नहीं बताऊंगा ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी। ओटीटी भेज जाएगी, ओटीटी के लिए ओटीटी भेज जाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा बोलते हैं। समझा नहीं मैं आपका। देखिए अभी उस दौरान जो भी न्यूज़ जिसने भी देखी है वो डेफिनेटली ये देखेगा कि हुआ क्या था इस आदमी के साथ, सच्चाई कहीं ना कहीं क्या सच है क्या गलत है। तो डेफिनेटली हर इंसान में, मेरे भी मन में यही है कि कब देखूँ मैं तो मुझे पता चले, कि जब मैंने किया किरदार तो बात अलग है, लेकिन जब मैं खुद देखूँगा खुद को करते हुए तो उस आदमी का हुआ क्या, तो वो एक जर्नी उसकी, वो आई थिंक हर इंडियन देखना चाहेगा, वो सही है गलत है वो मुझे पता नहीं, बट एवरी मैन एवरी वुमन इन इंडिया विल डेफिनेटली वॉच दैट। जो न्यूज़ जो है वो कितने महीने चली, काफ़ी महीने अभी तक चल रही है। जी 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 वही सर 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 ये कहानी सबको पता है, लेकिन विकास दुबे का बचपन से लेके एनकाउंटर तक की कहानी ये किसी को नहीं पता है। सबको ये मालूम है कि उसने शूट आउट किया, शूट आउट करने के बाद में एनकाउंटर हो गया, बीच की सारी चीज़ें हुई। फिल्म में हमने बचपन विकास दुबे का बचपन से लेके उसका एंड वो दिखाया है, और मेरे एडिटर हैं दीपक शाह, उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया है फिल्म को, बनाना और सजाना, बनाने के बाद में सजाना, तो सब कुछ अच्छा रहा है सर। सर देखिए मेरा सर देखिए सर मेरा मानना ये है कि विकास दुबे एक अपराधी है, कोई धर्मात्मा नहीं है कि बहुत उसने पुण्य के काम किए हों, है ना। तो हम लोग लेके चल रहे हैं एक पूरा उसका जर्नी हम लोगों ने दिखाई है, और मुश्किलें बहुत सारी आई शूटिंग के टाइम में, बहुत सारी मुश्किलें आई थी हमारे साथ में, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आई हैं, लेकिन उनको फेस किया है, आगे भी फेस करेंगे। शुक्ला दुबे और कुछ भी और अदर कास्ट भी हैं, वो फिल्म आप देखेंगे आपको मालूम पड़ेगी, यही तो है सर आपको आप बोल रहे हैं दुबे शुक्ला है ना अभी, लेकिन और पीछे की जो चीज़ें हैं वो आप फिल्म में देखने को मिलेंगी। देखिए सर मैं बोलूँगा आपसे, आप फिल्म देखिए, फिल्म आने वाली जल्दी से, और वो क्या है ना, ही वाज अ ब्राह्मण ठीक है, तो वो होता है तो भाईचारा जो होता है नहीं, और वैसे भी उसमें दो ब्राह्मणों की लड़ाई नहीं दिखाई, नहीं, ऐसा नहीं, दो बाहुबलियों की लड़ाई दिखाई है, दो पॉलिटिशियंस की लड़ाई दिखाई है, तो उसमें कास्ट का कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा दो बाहुबली, दो बाहुबली एक गैंगस्टर, हां तो दो बाहुबली के बीच में एक गैंगस्टर किस तरीके से गैंगस्टर बनता है उसकी जर्नी है पूरी। ये तो आप मूवी देखने के बाद पता चलेगा ना आपको कि वो हीरो है कि विलेन है, और वैसे भी वो हीरो तो था ही नहीं, और मूवी में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि वो हीरो है, वो तो मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा कि हम उसको क्या दिखा रहे हैं। शायद मूवी देखने के बाद आप गालियाँ ही दे के जाइए घर, ये भी तो पॉसिबल है ना, ये तो नहीं है कि आप क्लैप करके जाओगे। सारी गालियाँ मुझे सही उस रात यही बोल रहे थे और कुछ थैंक यू सो मच फिर मुलाकात होगी जल्दी जी। एक ये फोटो के बाद पांच लोग आप लोग जुड़े, पांच छह लोग ओके आराम से ले लो फोटो और वीडियो ले लो। ओके 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 ओके
भी सिर्फ स्टार का है ना। यहाँ पे लोग लेफ्ट सर होने के बाद सर